ट्वेल्व में हमें कुछ डेटा दिया हुआ है और हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है किसका, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का, SLCA जिसको आप कहते हैं, डेटर का। और हमें क्या निकालना है भाई, हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। क्या निकालना है? क्लोजिंग। यार अब देखिए बहुत आसान है, इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं और SLCA बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले कोशिश करते हैं डायरेक्ट सॉल्व करने की। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है SLCA का, 6320 डेबिट, तो इसको लिख ले आप प्लस में कैलकुलेटर में। सेल्स जनरल, सेल्स जनरल में क्या आती है, सेल्स जनरल में आती है क्रेडिट सेल। यार बताओ जब हम उधार पे सेल करेंगे तो हमारा डेटर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? डेटर बढ़ जाएगा, तो इसको भी प्लस कर लें। ओपनिंग बैलेंस में डेटर को प्लस कर लें, सेल्स को प्लस कर लें। सेल रिटर्न, जब कस्टमर हमें माल वापस दे देगा तो डेटर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? तो डेटर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। किसकी वजह से? सेल रिटर्न की वजह। कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, यार जब कस्टमर हमें पैसे दे देगा तो डेटर का बैलेंस दोबारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, जब कस्टमर से पैसे आ जाएंगे तो उससे भी क्या होगा, कम हो जाएगा। चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। डिस्काउंट जब हम अलाउ करेंगे डेटर को तो उससे भी डेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप क्या क्लोजिंग बैलेंस बता सकते हैं? क्या करना है भाई, ओपनिंग बैलेंस में क्रेडिट सेल प्लस कर लें, फिर सेल रिटर्न, कैश रिसीव, चेक रिसीव और डिस्काउंट अलाउड, ये सब माइनस कर दें। कैश सेल अगर होती है तो वो इसमें नहीं आती, कैश सेल जो है डेटर अकाउंट में नहीं आती। तो अब बता दें क्लोजिंग बैलेंस से प्लस माइनस करना है आपको, तो मेरे हिसाब से बैलेंस आना चाहिए 4656। अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करने में कंफ्यूजन है तो आप इसके लिए SLCA भी बना सकते हैं। SLCA किसका अकाउंट है, सारे डेटर्स का कंबाइन अकाउंट। डेटर का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे भाई, आप डेबिट पे। जब सेल्स होगी उधार पे तो डेटर बढ़ जाएगा, जब पैसे आ जाएंगे बैंक तो डेटर कम हो जाएगा, जब कैश आ जाएगा तो उससे भी डेटर कम हो जाएगा, जब डिस्काउंट अलाउड होगा तो उससे भी डेटर कम हो जाएगा। स्माइल भी आ गए, और उसके बाद जो है वो रिटर्न इनवर्ड हो जाएगी तो उससे भी डेटर कम हो जाएगा। सही, और कोई चीज तो नहीं है इसमें, बस यही चीज है। तो इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं बैलेंस शीट। ओपनिंग में हमने यहाँ पे भी यही किया, सेल्स ऐड किए और बाकी सारी चीजें लेस किए, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होता है। बात समझ में आती?